स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 8th कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन, जो आपका एग्जाम 27 अप्रैल 2024 को है। चलिए आप मेरे साथ इसको फटाफट प्रिपेयर करिए और जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको करके देखिए। ये क्वेश्चन हिंदी के बच्चों के लिए है, ये पेपर हिंदी मीडियम वालों के लिए होगा साइंस का, इंग्लिश वालों के लिए भी हेल्पफुल होगा, पर इंग्लिश हिंदी वालों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। खंड क्या में जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो है आपका, ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी जिसमें वो जो चीज है वो क्या है, द्रव से डायरेक्ट ठोस अवस्था से सीधे कहाँ चली जाए, गैस अवस्था में चली जाए, बिना द्रव अवस्था में आए, यानी सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए, ठोस से किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, द्रव जो है उसके अंदर ना आए, उस अवस्था को क्या कहेंगे, उस अवस्था को कहेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा गैस का गुण नहीं है, यानी कौन सा ऐसा गुण है, कौन सा ऐसा करेक्टर है जो गैस में नहीं होता सामान्यतः। तो निश्चित आयतन, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें और टेम्परेचर को कम कर दें तो किसी भी बर्तन में हम ज्यादा गैस को भर सकते हैं, तो गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, क्वेश्चन थर्ड है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है, क्योंकि लकड़ी को जला के राख बनाई जाएगी और राख की लकड़ी वापस नहीं बन सकती, जबकि लकड़ी को काटेंगे तो लकड़ी के टुकड़े बन जाएंगे, लकड़ी को हथौड़े से पीटेंगे तो लकड़ी क्या थोड़ा चूरा हो जाएगा मगर फिर भी वो लकड़ी रहेगी, और मोम को पिघा लेंगे तो वो मोम ही रहेगा। मगर अगर हम लकड़ी को जला दें, पेपर को जला दें, कपड़े को जला दें और किसी से उन्हें मिक्स कर दें, तो क्या हम पहचान पाएंगे उनमें से कौन सी राख लकड़ी की है, यानी रासायनिक परिवर्तन कौन सा होगा, लकड़ी का जलना। नेक्स्ट है, कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र बताओ, तो कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, Ca, और उसकी वैलेंसी 2, फॉस्फेट होता है PO4, ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होगा Ca2PA4, कैल्शियम फॉस्फेट क्या हो जाएगा, Ca2PA4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का निर्माण करते हैं, इसके द्रव्यमान के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा। हमेशा याद रखना, कार्बन और ऑक्सीजन जब जुड़ेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होगा वो 3:8 होगा, याद रखना, कार्बन और ऑक्सीजन, CO2, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, 3:8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में बोला है सोडियम के 11 है और मैग्नीशियम के 12 है, तो बताओ दोनों में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो दोनों में जितने उनके एटॉमिक नंबर होंगे उतनी उनकी न्यूट्रॉन की संख्या होगी, यानी उनकी न्यूट्रॉन की संख्या भी 11 और 12 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की समस्थानिकों में क्या होता है, तो तत्व के समस्थानिकों में एक समान परमाणु होते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, तत्व के समस्थानिकों में जो परमाणु संख्या होती है वो एक समान होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कौन सा कोशिकांग कई विष और दवाओं को निराविकरण करने में महत्वपूर्णता निभाता है, मतलब हमारे शरीर में ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो हम कोई विष या कोई दवाएं अगर हम गलती से ऐसी ले लें जिनसे रिएक्शन हो जाए, तो उन रिएक्शनों के बाद भी क्या करता है वो, निराविषीकरण, यानी उनका जो जहर है, जो विष है, वो हमारे शरीर पे पूरी तरीके से अफेक्ट नहीं डालेगा। तो चिकनी अंतर्द्वयी जालिका, चिकनी अंतर्द्वयी जालिका इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टलम, SER, इंग्लिश में बोलते हैं SER और हिंदी में बोलते हैं चिकनी अंतर्द्वयी जालिका, ऑप्शन सी। निम्न में से किसमें पादप के निरंतर कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, तो कोशिका विभाजन की क्षमता किसमें होती है, वो होती है शीर्षत विभोजक में, किसमें होती है, शीर्षत विभोजक में, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेरिस्टमेटिक सेल, ठीक है, अभी यहाँ पे आपको याद रखना है शीर्षत विभोजनक। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बेटा, किसी वस्तु का विस्थापन तय दूरी के समानुपाती होगा जब वस्तु की गति, ठीक है, तो
तो बोला क्वेश्चन में, अगर कोई वस्तु विस्थापन कर रही है यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसकी तय दूरी के समानुपात होगा जब वस्तु की गति, तो वस्तु की गति कैसी होगी उस टाइम पे, तो वस्तु की गति सीधे पथ पर होगी तभी उसका समानुपाती होगा। जब वस्तु का विस्थापन हो तो तय दूरी समानुपाती कब होगा, जब वस्तु की गति सीधे पथ पे हो यानी यूनिफॉर्म मोशन में हो। अगर एक वस्तु एक समान गति दर्शाती है तो उसमें, अगर कोई वस्तु एक समान गति दर्शाती है तो उसका चाल स्थिर क्या होगा, चाल स्थिर होगा, उसका चाल स्थिर होगा कब होगा, जब वस्तु एक समान गति को दर्शाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, जब बस अचानक चलने लगती है तो बस में खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिरने लगता है, ऐसा क्यों होता है, तो बस में खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर क्यों गिरने लगता है, क्योंकि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार ऐसा होता है। इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और हिंदी में बोलेंगे न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति बस में खड़ा है वो पीछे की ओर गिरने लगता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम है ये। गतिशील वस्तुओं के टकराने से कोई व्यक्ति घायल क्यों हो जाता है, गतिशील वस्तुओं के टकराने से व्यक्ति घायल क्यों हो जाता है, तो उसका आंसर है संवेग के कारण। जो संवेग होता है, मोमेंटम, इंग्लिश में मोमेंटम है, संवेग के कारण जो व्यक्ति घायल हो जाता है। जब कोई वस्तु गति में हो यानी कोई वस्तु चल रही हो, अगर खड़े ट्रक में टकराओगे तो उतना नुकसान नहीं होगा, मगर चलता हुआ ट्रक में क्या होगा, उसमें अंदर वेलोसिटी जुड़ जाएगी जिसके कारण हमें ज्यादा नुकसान होगा। क्लियर है, गुरुत्व त्वरण जी का मान होगा, गुरुत्व त्वरण जी का मान क्या होगा भाई, विषुवत रेखा पर कम होगा। कहाँ पर सबसे कम होता है, विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है जी का मान, स्मॉल जी। वैसे स्मॉल जी का मान होता है 9.8, याद रखना क्या होता है 9.8, मगर सबसे कम कहाँ होता है, ये विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है। क्लियर है बात ये आपको या नहीं, क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन 15, जब एक पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, जब भी कोई पिंड गिरेगा किसी तरफ पृथ्वी की तरफ तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, तो कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है, स्थिर रहती है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, तो अगर कोई वस्तु है उस पर कोई कार्य करा जाए, वर्णन करा जाए, तो किस चीज पर निर्भर नहीं करेगा, वस्तु के आरंभिक वेग पे, वस्तु का जो आरंभिक वेग होगा उस पर जो है निर्भर नहीं करेगा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए नहीं हो गए, कोई डाउट है इन क्वेश्चनों में तो बताओ। ये हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम की एक अलग वीडियो बनाई गई है, बड़े क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।